Hello everyone. Good morning. Welcome back to my online class, students. In previous class, we have discussed about Shah Suri and Sur Empire, and also we have discussed about administration of Shah Suri. In today's class, we will discuss about revival of Mughal Empire. In 1555, Humayu defeated Sikandar Suri. एंड कैप्चर दैली एंड आगरा एंड दस री इस्टैब्लिश्ड मुग़ल रूल आफ्टर एंड इंटरवल ऑफ 15 ईयर्स 1555 में हुमायूं सिकंदर शाह सूर जो कि सूर डायनास्टी का लास्ट रूलर रहता है उसको वो पराजित कर, दे, कर देता है और वापस से दिल्ली और आगरा पे अधिकार कर लेता है वापस से वो मुगल रूल को री कर देता है एक फिफ्टीन ईयर्स के गैप के बाद ही डिड नॉट लिव लॉन्ग एनफ टू रिकवर द ट्रेटरीज ही डाइड एट द रिजल्ट ऑफ द फैटल फॉल फ्रॉम स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी इन दहली लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा समय तक राज नहीं करता है और एक दिन लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिर कर इसकी मृत्यु हो जाती है After the death of Humayu, his son Akbar, at the age of 13, became the king. He was helped by Baram Khan, who became the regent. The, the first threat he faced from the general of Adil Sa, Hemu, who marched towards Delhi. Baram Khan marched against, against him and defeated him in the second battle of Panipat. हुमायूं सन अकबर क्राउंड द एम्पायर एट द एज ऑफ थर्टीन हुमायूं का बेटा अकबर जो कि तेरह साल के उम्र में ही उसका राज्यभिषेक होता है और बैरम खान उसके एक गार्जियन के तरह काम कर, देख रेख करते हैं बैरम खान लेड द मुगल आर्मी इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट हेमू चूँकि अकबर की एज उस समय बहुत कम रहती है हेमू दिल्ली पे कब्जा कर चुका होता है इसलिए सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है जिसमें बैरम खान अकबर के तरफ से लीड कर मुगल आर्मी को लीड कर रहे होते हैं और हेमू के अगेंस्ट बैटल ऑफ पानी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है

इनका अधिकार हो जाता है लेकिन इसके बाद क्या होता है अकबर बैरम खान जो उनको संरक्षण देता रहता है तब तक तो अब वो बैरम खान को फ्री कर देता है और गवर्नमेंट को यानी कि सरकार को अकबर अपने हाथ में ले लेता है और वो कहता है कि आप अब मैं आ, सत्ता को चलाऊंगा। अकबर एक्सटेंडेड एम्पायर इन द फॉलोइंग वेज और अकबर इस तरीके से अपने साम्राज्य को चलाता है थ्रू डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट वो अपना साम्राज्य कैसे बढ़ाता है तो डायरेक्ट बाकी जो राज्य हैं जो उसके अधीन नहीं है वहाँ वो डायरेक्ट क्या करता है आक्रमण करता है थ्रू नेक्स्ट थ्रू मैट्रीमोनियल अलायंसेज विथ राजपूत प्रिंसेसेस। इसके अलावा जो राजपूत शासक थे उस समय तो उनसे मैट्रिमोनियल अलायंसेस वो स्टैब्लिश करता है यानी कि विवाह संबंधी संबंध रखता है उनकी बेटियों से शादी करता है और इस तरह से वो उनके साम उनके राज्य को भी अपने अधीन कर लेता है और वहाँ पे युद्ध की ज़रूरत नहीं पड़ती थी बाई विनिंग द ट्रस्ट ऑफ राजपूत रूलर्स एंड गिविंग दैम हाई पोजिशन इन एडमिनिस्ट्रेशन इसके अलावा वो जो राजपूत रूलर्स होते थे उनका विश्वास भी जीतता है और अपने एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हें वो हाइएस्ट पोजिशन भी देता है उदय सिंह रिफ्यूज टू एक्सेप्टिटी पुटअप अ ब्रेक फ्रॉम फ्रंट अगेंस्ट द मुगल फोर्सेज इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन फिफ्टीन सेवेंटी सिक्स राणा प्रताप जो कि राणा उदय सिंह के बेटे होते हैं तो उन्होंने अकबर की यानी कि मुग़ल की, की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और इस तरह से बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है 1576 में ही वॉज डिफिटेड एंड टुक सेल्टर्स इन द अरावलीज़ अरावलीज अरावलीज माउंटेन रेंज आप जानते होंगे तो मुग़ल सेना इनको हरा देती है और वो अरावलीज माउंटेन में कहीं शरण ले लेते हैं द राना कंटिन्यू टू रेसिस्ट द मुगल्स एंड वॉज एबल टू बी कैप्चर्ड लार्ज पार्ट्स ऑफ हिस किंगडम और इस तरह से जो राणा प्रताप रहते हैं वो मुगल से इनका हमेशा सामना होता रहता है और वो अपने साम्राज्य के एक बड़े पार्ट को मुगल सत्ता में नहीं मिलने देते हैं नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट राजपूत पॉलिसी अकबर राजपूत पॉलिसी टिल देन बाय बाय